हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 5 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए दिल्ली की तरफ से, विषय है सामाजिक विज्ञान भूगोल कक्षा 7वीं के लिए। तो शुरू करते हैं, आज का विषय है मानव पर्यावरण। तो हम इसको समझेंगे। सबसे पहले मनुष्य पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है, ठीक है, और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बदलता रहता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। पहले के लोगों ने क्या किया था, अपने आप को प्रकृति के हिसाब से चेंज कर लिया था और वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से ही उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी, उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी, बहुत सारी आवश्यकताएं बढ़ गई तब से, ठीक है। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उनके परिवर्तन के लिए कई नए नए तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब एक जगह पर रहना शुरू किया, फिर वहाँ पर फसल उगाना शुरू किया और पशुओं को पालना शुरू किया और अपनी लाइफ को सेटल तरीके से जीना शुरू किया। उसने अपनी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ों का उत्पादन या बनाना शुरू कर दिया, उन्हें जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा बनाना शुरू किया और इससे क्या हुआ, व्यापार की शुरुआत हुई। फिर उन चीज़ों का व्यापार करना शुरू किया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल है आगे आपका वस्तु विनिमय पद्धति का। यह वस्तु की अदला बदली का व्यापार है, ठीक है। ये क्या करते हैं, वस्तु विनिमय पद्धति यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। मुद्रा के आने से वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्याएं दूर हो गई। पहले क्या था, पहले जब सामान के बदले सामान एक्सचेंज किया जाता था तो इक्वल प्रॉफिट नहीं होता था, कई बार किसी को लॉस हो जाता था, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, ये मुद्रा करेंसी इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। मुद्रा के आने से क्या हुआ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके बाद आज के समय में हम क्या करते हैं, प्लास्टिक मनी यूज़ करते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र का भी उपयोग करते हैं, ठीक है। सो मानव ने अन्य लोगों के संपर्क में आना शुरू कर दिया और अपनी सुविधा और विभिन्न उद्देश्यों के लिए उसने खुद का एक पर्यावरण बनाया। सो निम्न चित्र मानव पर्यावरण के कुछ उदाहरण को दर्शाता है, ठीक है। जो नीचे चित्र दिए हुए हैं आप देखिए, ये मानव पर्यावरण के एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, कौन मानव के पर्यावरण में क्या क्या बदलाव आए और ये उनके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे देखो, राजनीतिक स्थिति में बदलाव आता है, लोगों में बदलाव आता है, परिवार में बदलाव आ गया, परिवार में पहले लोग कैसे रहते थे अब कैसे रहते हैं, और पहले किस तरह से लोगों के व्यवसाय चुने जाते थे, किस तरह से वो लोग काम करते थे वो बदल गए, ठीक है। धर्म के जो तरीके थे, कई चीज़ें थी वो चेंज हो गई, और आर्थिक बैंक जो है, बैंक, शिक्षा, समुदाय और ये सारी चीज़ें क्या है, मानव पर्यावरण की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन है आपका, लॉकडाउन की परिस्थितियों को याद करते हुए आपको क्या करना है, लॉकडाउन की परिस्थितियों को याद करते हुए आपने क्या करना है, निम्नलिखित तालिका को पूरा करना है, ठीक है। तो आप देखेंगे निम्नलिखित तालिका क्या दी हुई है आपकी तालिका। आपका क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण का वो हिस्सा जो कार्य करता है, वो हिस्सा बताना है जो कार्य कर रहा था, यानी कि आपको लॉकडाउन के समय को याद करना है, लॉकडाउन की परिस्थितियों को याद करना है और आपको बताना है कि कौन सा जो पर्यावरण का हिस्सा था वो काम कर रहा था और कौन सा नहीं कर रहा था। तो बच्चों आप आंसर यहाँ से लिखिए, सरकार, केंद्र और राज्य, जैसे सरकार हैं, डॉक्टर, नर्स, शिक्षक, राशन की दुकानें, आवश्यक सेवाएं जैसे दवा, बैंक सेवाएं, ठीक है, आदि जो है, यहाँ पर एक सेवाएं एक्स्ट्रा हो गया है, आप उसको काटेंगे, सेवाएं आदि, ये जो थे, ये मानव पर्यावरण का वो हिस्सा था जो कार्य कर रहा था, और जो हिस्सा कार्य नहीं कर रहा था वो कौन सा था, तो वो था धार्मिक स्थल, स्कूल, पारिवारिक समुदाय जैसे मजदूर, दुकान और निजी संगठनों में काम करने वाले लोग जैसे बर्तन बनाने वाले लोग, कपड़े के व्यवसाय में फैक्ट्री वाले लोग, ठीक है। तो ये सारे लोग क्या हो गए, इन लोगों का काम बंद हो गया, रुक गया, इनका व्यवसाय बिल्कुल बंद हो गया उस समय में। तो ये मानव पर्यावरण का वो हिस्सा है जो कार्य नहीं कर पाया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।
एंड आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप यू लाइक माई वीडियो. हैव अ गुड डे. बाय बाय.